हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, मार्केट में ये न्यूज आ रही है, मार्केट में वो न्यूज आ रही है, मार्केट गिर रही है, मार्केट में ये हो रहा है। तो ये सब चीज छोड़, सोचना, सुनना, न्यूज देखना, ये सब चीज छोड़ दीजिए। ओके, और अगर आप ये चीज छोड़ देंगे और किस चीज पर कंसंट्रेट करेंगे, आप कंसंट्रेट करेंगे कि कौन सा स्टॉक्स आपको खरीदना है, आपको किस लेवल पे खरीदना है, आपको कहां पर एग्जिट करना है, ये आप सोचेंगे, आपको चार्ट पैटर्न स्टॉक्स को देखेंगे तो आप पैसा बनाते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि हमने कल स्टॉक्स से रिलेटेड बात करी बजाज इलेक्ट्रिकल्स, तो यहाँ पर आज के दिन में 5% भागा। हमने बात करी यहाँ पर आईसीआईसीआई श्रीराम, तो ये 7% और ये 5% भागता हुआ दिखाई दिया। और इसी तरीके से ये स्टॉक्स भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये स्टॉक्स बताया था, ये भी स्टॉक्स यहाँ पर 40-50, 20-30 रुपए भाग चुका है। तो इसी तरीके से चीजें चलती रहती है। अच्छी चीजों को यहाँ पर चुनना शुरू करें। और मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि 5%, 6%, 7% यहाँ पर ऊपर चल रहे थे, 10% तक ऊपर चल रहे थे। बट यहाँ पर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जो मैंने आज यहाँ पर बाइंग किया है, किस रीजन से बाई किया है वो भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। जितना हो सके हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करना है। और आपसे केवल एक ही निवेदन है कि जितना हो सके वीडियो को देखा करें। अब जो वीडियो आप नहीं देखते ना ज्यादा, वही शेयर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई देता है। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हो उसका प्राइस है 425 रुपए। इसी प्राइस पे मैंने यहाँ पर खरीदा भी है। 52 वीक हाई की देखें तो 565 रुपए से यहाँ करेक्ट होकर 425 पे चल रहा है, लगभग 150 रुपए नीचे है। अगर बात करें 145 के लगभग 140 के आसपास नीचे है। 52 वीक लो की बात करें 269 रुपीज यहाँ पर इसका 52 वीक लो था जो कि जैन में था, हाई अक्टूबर में बनाया था। और तब से एक अच्छी खासी गिरावट, और आज के दिन में लगभग 48%, लगभग 39,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं। और भी कुछ पैरामीटर्स देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ वाली रही है। एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी जहाँ पर एक एक डिविडेंड देती थी, ₹2, ₹2.50, वहाँ पर 2021 में 2 बार डिविडेंड दे चुकी है। तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है डिविडेंड का ज्यादा देना कि कंपनी इज अर्निंग मोर और कंपनी इज डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस, इसलिए कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है। इसके अलावा हम कुछ पैरामीटर्स की और बात करें, 39.49% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। कुछ और पैरामीटर की बात करें तो हमने डिविडेंड से रिलेटेड चर्चा कर ली। 2013 में 1:1 का बोनस। स्प्लिट की बात करें, कंपनी का 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, ₹5 का फेस वैल्यू 2017 में, मतलब यहाँ पर स्प्लिट होते हुए दिखाई दी है। और अगेन यहाँ पर स्प्लिट कंपनी हो सकती है, मतलब स्प्लिट भी दे सकती है, बोनस भी दे सकती है, तो और देती भी आई है। तो ऐसी ही कंपनी आपको यहाँ पर चुननी है जो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देती हुई नजर आए। फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रही है कंसिस्टेंट बेस पे। ये पैंडमिक का एक बार बीच में यहाँ पर लेवल आया था, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आई है। बट इट्स ओके, कभी कभी डाउन हो जाती है, बट चीजें यहाँ पर अच्छी हो रही है। क्यों? क्योंकि जहां पर आप देखेंगे कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही थी। घाटे में इसने दिखाया था 2020, 2021 यहाँ पर इसने प्रॉफिट में दिखाया, और वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में, 3 साल के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट में यहाँ पर दिखाया, 4 साल के। तो कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम यहाँ पर है हेरिटेज फूड्स। हेरिटेज फूड्स की बात बताऊं तो मैंने आपको यहाँ पर बार बार यहाँ पर वीडियो बना के आपको इस स्टॉक से रिलेटेड बताया था, और उस टाइम यहाँ पर इस शेयर ने अच्छी खासी छलांग लगाई थी और अच्छा खासा पैसा है आप सभी का यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। लगभग यहाँ पर मैंने ₹300 के आसपास, इसी के आसपास मैंने यहाँ पर ये आपको शेयर बताया था। यहाँ पर वीडियो होगी तो मैं ऊपर डाल दूंगा। उसके बाद एक अच्छी खासी रैली लगभग 550-600 रुपए तक की, और एक अच्छी खासी गिरावट अब नजर आ रही है, और एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, शेयर ने देता हुआ नजर आया। कंपनी का जो देखिए, आपने अमूल का नाम सुना है, आपने मदर डेयरी का नाम सुना है, बट आपने हेरिटेज फूड्स का भी नाम आज सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेरिटेज फूड्स आपने देखा कि अमूल और ये मदर डेयरी, ये आपको नॉर्थ में डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी, बट ये जो कंपनी है ये आपको डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी साउथ में। साउथ की बात करें तो इनका खुद का एप्लीकेशन भी है जो कि हेरिटेज टच के नाम से जाना जाता है। और इनके बिजनेस और इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके पास क्या प्रोडक्ट्स नहीं है। इनके ये मिल्क यहाँ पर देते हुए दिखाई देते हैं। ओके, मिल्क सर्व करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि फुल क्रीम टोन जो भी आता है आपको पता ही है। इसके अलावा ये कर्ड देते हुए दिखाई देते हैं। ओके, ये जो कंपनी है यहाँ पर आपको कर्ड देती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा लस्सी, यहाँ पर बात करेंगे फ्रोजन डेजर्ट, मिल्क शेक, स्वीट्स, बटर, फ्रेश क्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क पाउडर, कोल्ड कॉफ़ी, चीज़, घी, पनीर, इम्यूनिटी मिल्क, आइसक्रीम, बटर मिल्क, यूएचटी मिल्क, मतलब यहाँ पर सब चीज़ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है जो कि आपको सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है आपके हाथों में, जो भी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। और यहाँ पर साउथ में डोमिनेशन ज़्यादा है, इसलिए साउथ में ज़्यादा मिलती है। बिग बास्केट के साथ भी इनका टाइप्स है। फ्रेश पनीर यहाँ पर बात करें एज वेल एज लाइट पनीर, यहाँ पर अलग अलग तरीके का मतलब बनाते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर टोन मिल्क, यहाँ पर क्वालिटी वाली यहाँ पर चीजें दिखाई देती है, यहाँ पर ये सर्व करते हुए दिखाई देते हैं। कंपनी ओवरऑल अच्छी खासी है। कंपनी से रिलेटेड काफी बार आपको यहाँ पर वीडियो बना के आपको बताया भी है कि इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, कंपनी काफी बेहतरीन है। और उसके बाद एक अच्छी खासी हमने देखा भी है, ये इस शेयर में ग्रोथ भी आया है। यहाँ पर देखिए तो 15 लाख का यहाँ पर बात करें फैमिलीज को ये अभी सर्व करते हैं। 942 इनके अगर बात करें पार्लर है बाई और फ्रेंचाइजी, इनके फ्रेंचाइजीज भी है। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर 3 लाख प्लस यहाँ पर फार्मर्स यहाँ पर डायरेक्ट दूध यहाँ पर सप्लाई करते हैं, ट्वाइस ए डे, नॉट एन सिंगल इन अ डे। इसके अलावा 1.5 लाख यहाँ पर रिटेल आउटलेट है, सेल हेरिटेज प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करते हैं। 181 बल्क कूलर, मिनी चिलिंग एंड चिलिंग सेंटर, प्रोक्यूर्ड मिल्क यहाँ पर डेली करते हुए दिखाई देता है। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी का जो लक्ष्य है वो भी काफी बेहतरीन है। कंपनी अपने आप को 1-2 साल में अपने आप को दुगना भी करना चाहती है, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर अगर देखें इन कंपनी के रिलेटेड तो आपको पता चलेगी कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, भागती भी तेज है, गिरती भी तेज है, बट अगर कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो वहाँ पर गिरने के नहीं, वहाँ पर भागने के चांसेस है। और फिर ऐसी ही कंपनी यहाँ पर मिड कैप के बाद लार्ज कैप बनती हुई दिखाई देती है। पीई की बात करें 16 का पीई है। आरओसी काफी बेहतरीन 31 और 28 का। डेट फ्री लगभग शेयर है, 0.016% का डेट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कंपनी का हाई देख सकते हैं, इसके बाद लो देख सकते हैं कि कितना लो है, 5 का फेस वैल्यू है। कंपनी ओवरऑल यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं 2018 में 827 रुपये का इसने टारगेट बनाया था, हाई लगाया था। उसके बाद से एक अच्छी खासी गिरावट थी जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में जब गिरावट होती है तो अच्छी खासी गिरावट होती है, बट कंपनी दोबारा अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, तो अच्छा खासा यहाँ पर भागती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्वार्टरली बेसिस की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं, सेल्स। तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, बस जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक थोड़ी कम हुई, थोड़ी सी ही कम हुई, ज़्यादा कम नहीं। और फिर अभी दोबारा यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पे हाईएस्ट एवर अगर बात करें 6-7 क्वार्टर में, 8 क्वार्टर में यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स हुई है। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा हुआ है। जून 2020 के बाद इस बार का जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है, बट हमें हमारा जो तरीका होता है देखने का और एक्चुअली में जिस तरीके से देखना चाहिए तो वो क्वार्टरली और मोस्टली ईयरली बेस पे देखना चाहिए। तो ईयरली बेस पे प्रॉफिट देखेंगे तो 1 साल पहले 3 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 33 करोड़ का प्रॉफिट है, 30 करोड़ ज़्यादा है। और यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे भी देखेंगे 30 करोड़ से 33 करोड़, तो 3 करोड़ ज़्यादा है। तो कंपनी यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद इस चीज़ को नीचे लेके आए। क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक तो मार्केट गिरी हुई थी, इसके अलावा यहाँ पर इसे और ऑपरेटर नीचे लेके आए ताकि इसे नीचे की लेवल पे खरीदे, और खरीदने के बाद इसे फिर भगाते हुए दिखाए। और इसका जो टारगेट था जो हमने देखा था कि 2018 में यहाँ पर कंपनी जो परफॉर्मेंस दे रही थी यहाँ पर दे रही थी, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहे थे 2017 में 275 करोड़ के आसपास, तो जो कि एक्स्ट्रा इनकम से थे, इसे यहाँ पर भी अदर इनकम की वजह से थे। तो यहाँ पर के लेवल पर दोबारा जा सकती है, ये शेयर आपको डबल पैसा करके दे सकता है किसी वक्त। यहाँ पर बात करें सेल्स की तो यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ रही है। ओके, बीच में एक आध बार हर्डल्स रही है, बट दैट्स ओके, वो चीज़ें कभी ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ पर देखेंगे 6 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 12 महीने में 114 करोड़, और यहाँ पर 2021 में 150 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छा हाईएस्ट एवर ही मैं इसे कहूँगा कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया है 2021 में। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया था इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम ज़्यादा हुई थी। इस बार अदर इनकम भी ज़्यादा नहीं थी, बट कंपनी ने यहाँ पर सेल्स की वजह से यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, जो कि सबसे अच्छी बात है। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे, बोरिंग बिल्कुल ही कम हो गई है। यहाँ पर देखिए 37 करोड़ की बोरिंग रह गई है बिल्कुल ही। डेट फ्री कंपनी है, वर्किंग प्रोग्रेस में 6 करोड़, इन्वेस्टमेंट 88 करोड़, कैश की बात करें यहाँ पर 73 करोड़ का कैश, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओसी यहाँ पर जो नेगेटिव में थी यहाँ पॉजिटिव आ गई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 39.49% की है, थोड़ी सी कम हुई है बट दैट्स ओके। एफआईआईस की बात करें वो हिस्सेदारी एफआईआईस ने खरीद ली है, एफआईआईस के पास 3.49% की। डीआईएस की बात करें डीआईएस ने यहाँ पर हिस्सेदारी, देखिए एफआईआईस बढ़ा रहे हैं, डीआईएस की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी कम होती दिखाई दे रही है, 42% पब्लिक दिखाई दे रही है। बट इसमें भी बड़े बड़े ग्रुप है उसने ले रखी है 11.909, 2.28, 1.13, 1.154। तो यहाँ पर ओवरऑल बात करेंगे 15-16% की हिस्सेदारी होती है। तो ओवरऑल हिस्सेदारी हर एक के हिस्से में यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें सॉरी, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये शेयर आपको, अगर हम यहाँ पर सीधा देखते हैं कि इसके जो प्रीवियस हाई है अगर यहाँ पर भी जाता है तो 31% के टारगेट आते हैं। और हमारा क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली बेसिस पे हमारा टारगेट रहता है कि 20% की हमारा टारगेट रहता है कि 20% हमें मिल जाए रिटर्न। वो काफ़ी बेहतरीन है हमारे लिए क्योंकि ईयरली बेसिस 40% का अगर हम CAGR इससे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा अच्छा खासा पैसा बनता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर देखिए 31% के दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता 3 से 6 महीने यहाँ पर लगने चाहिए। और जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, जब शेयर भागना शुरू करते हैं तो वो रुकते नहीं है, वो भागते ही रहते हैं। और जब भी यहाँ पर 200 DMA के नीचे ये शेयर आया है तो इसने अच्छा खासा तरीके से भागते हुए दिखाई दिया है थोड़े बहुत टाइम में। यहाँ पर देखिए ये फिर आया था, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर भागा अगेन, यहाँ पर नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। जिस तरीके के इसके रिजल्ट है, शायद ही अपने जो इसका प्रीवियस हाई था 800 कुछ रुपए का, ओके, उसे भी यहाँ पर क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये यहाँ पर NSE पे, हाँ देखिए अब आया पूरा चार्ट। तो देखिए कुछ पॉइंट्स में आपको हमेशा बताता हूँ कि कंपनी के जब नंबर अच्छे हो, सपोर्टिव हो, नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में सिंपल बाइंग कर देना चाहिए। तो 200 DMA के आसपास चल रहा है तो 200 DMA पे ले लीजिए। 36 के RSI पे चल रहा है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। थोड़ी सी अगर गिरावट होती है तो गिरावट हो सकती है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि जब मार्केट गिरेगी तो ये शेयर भी गिरेगा। तो यहाँ पर 40 से 50 रुपए की गिरावट हो सकती है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो कंपनी का एक बेहतरीन रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया है, इससे पहले यहाँ पर रुकी है, फिर यहाँ रुकी है, ऊपर के लेवल पर देखें तो यहीं पर ही इसने सपोर्ट बना रखी है। तो कंपनी सीधे यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है यहाँ पर शेयर को परचेज करने की। यहाँ पर अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न भी बन रहा है, तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ये इसने कप बनाया, ओके, यहाँ पर इसका एक कप बनाया, कप बनाने के बाद यहाँ पर हैंडल, और कप विद हैंडल पैटर्न बना के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। सूनर और लेटर ये टारगेट अचीव होते ही है। और यहाँ पर अगर हम इस टारगेट को मिलाते हैं तो इस टारगेट का जो टारगेट हमारा जो आता है वो क्या आता है, तो यहाँ पर वो टारगेट आता है, ये आप देखेंगे 650 के आसपास का टारगेट है। और 650 के टारगेट का सिंपल सा मतलब क्या है, 650 के टारगेट का मतलब है कि 31% का तो ये रिटर्न प्लस में 20% का ये रिटर्न, तो 50% का 52% के रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करे। और अगली बार जब रुकेगा ना तो एक सपोर्ट पे रुकेगा, यहीं पर देखिए पहले भी यहाँ पर इसने ऊपर सपोर्ट बनाया था। तो इस चीज को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, चीजें काफी बेहतरीन है। ऊपर इसी तरीके से लेके गए थे, दोबारा इसी तरीके के वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में, और जब वॉल्यूम आएंगे सीधे 5-10% बढ़ेगी, जो चीजें इस तरीके से काम भी करती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, जितना हो सके सपोर्ट करना, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।